हेलो डियर्स, नमस्कार। आज दूसरा पार्ट काइंड्स ऑफ नाउन का, जिसका नाम है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। तो आइए डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन देखते हैं। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवेन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इन हिंदी वी कैन से जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों व वस्तुओं को समान रूप से दिया जाए, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिया गया है, वो भी देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, ही राइट्स ए लेटर। लेटर जो वर्ड है आपका कॉमन नाउन है। दिल्ली इज ए बिग सिटी, कॉमन नाउन। शी बॉट ए बॉक्स, कॉमन नाउन। द बॉय रीड्स अ बुक। अब देखिए यहां बॉय भी और बुक भी दोनों ही कॉमन नाउन है। अ गर्ल फील्ड, कॉमन नाउन। रिवर टाउन, ये भी कॉमन नाउन। अ गर्ल इज, शी बॉट ए बॉक्स, थर्ड वाक्य, वह बॉक्स खरीदी। दिल्ली इज ए बिग सिटी, सेकेंड सेंटेंस की हिंदी देख लीजिए, दिल्ली एक बड़ा शहर है। वह पहला देखिए, वह पत्र लिखता है। चौथा, बॉय रीड्स ए बुक, लड़का किताब पढ़ता है। लड़की मैदान में खेल रही है, गर्ल इज प्लेइंग इन द फील्ड। छठा, देयर इज नो रिवर इन द टाउन, शहर में कोई नदी नहीं है। छह एग्जाम्पल हमने लिया और एक एक करके आप देखिए कि कौन सा वर्ड कॉमन यानी जातिवाचक संज्ञा है। तो आज देखिए ऊपर के वाक्य में, पहले वाक्य में देखिए लेटर, दूसरे वाक्य का सिटी, तीसरे वाक्य का देखिए बॉक्स, चौथे वाक्य में देखिए बॉय और बुक, बॉय और बुक, पांचवें वाक्य में देखिए गर्ल तथा फील्ड, गर्ल फील्ड, छठे वाक्य का देखिए रिवर टाउन, रिवर टाउन। इन शब्दों का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह है, यानी ये कॉमन नाउन ही हैं, कॉमन नाउन की तरह किया गया, क्योंकि इन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के विषय में सूचना नहीं मिलती, बल्कि जाति का बोध होता है। अब डिफ्रेंशिएट देखते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का। प्रॉपर नाउन तथा कॉमन नाउन में अंतर इसको समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लियर ये फिगर स्पष्ट हो जाए कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। देखिए यहां पहला वाक्य लिया गया, अशोक इज ए बॉय। देखिए यहां पर नाउन दो जगह है, लेकिन अशोक एक विशेष लड़के का नाम है, उसमें बॉय लड़का, लड़के तो तमाम है, तो लड़का जो शब्द, बॉय जो शब्द है वो देखिए आप नीचे एक्सप्लेन किए हैं हमने, अभी भी बता देता हूं, बॉय आपका कॉमन नाउन। सेकेंड, सीता इज ए गर्ल। सीता एक विशेष प्रॉपर नाउन है, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गर्ल समूह, जाति विशेष को संबोधित कर रहा है।
तो गर्ल आपका कॉमन नाउन हो गया, सीता आपका जो है प्रॉपर नाउन, गर्ल कॉमन नाउन। तीसरे वाक्य में देखिए डेल ही ये सिटी, सिटी तो तमाम है लेकिन उन सिटी में डेल ही शब्द है, तो डेल ही आपका क्या हुआ प्रॉपर नाउन विशेष। सिटी हजारों सिटियां हैं शहर के नाम है, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। फोर्थ सेंटेंस देखिए इंडिया कंट्री, इंडिया एक विशेष स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन हुआ, और कंट्री तमाम देश हैं तो कंट्री वर्ड आपका कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिफ्थ सेंटेंस देखिए द गैंगेज इज ए रिवर, गंगा। अब रिवर तो नदियां हैं और नदियों में जब नाम आ गया तो जो नाम आया वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया और नदी जो शब्द है वो कॉमन नाउन हो गया। ये आगरा इज ए टाउन, आगरा विशेष शहर का नाम हो गया, टाउन टाउन तो है लेकिन टाउन तो हजारों हैं, इसीलिए जो टाउन शब्द है वो आपके जातिवाचक यानी कॉमन नाउन है, और आगरा जो शब्द है वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से देखिए अब डिफ्रेंशिएट कैसे किया हमने। पहले वाक्य में देखिए अशोक इज ए बॉय, अशोक एक विशेष लड़के का नाम है, अतः यह प्रॉपर नाउन है, परंतु बॉय किसी विशेष लड़के का नाम नहीं बल्कि उससे जाति या वर्ग का बोध होता है, अतः यह कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अब सारे सेंटेंस में देख लीजिए, सीता प्रॉपर नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन, डेलही प्रॉपर नाउन, सिटी कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, कंट्री कॉमन नाउन, गंगेज प्रॉपर नाउन, रिवर कॉमन नाउन, आगरा प्रॉपर नाउन तथा टाउन कॉमन नाउन है। इसी तरह से आप हजारों वाक्य समझ सकते हैं, बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे स्कूल है और पर्टिकुलर स्कूल का नाम आ जाए, कॉलेज है तो कॉलेज तो बहुत से हैं लेकिन कॉलेज का नाम आ जाए, जैसे महात्मा गांधी कॉलेज, तो महात्मा गांधी जो शब्द है वो प्रॉपर नाउन हो गया और कॉलेज जो वर्ड है वो आपका कॉमन नाउन है। दशरथ वाज ए किंग, अब देखिए दशरथ प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, किंग राजा, राजा हजारों हैं तो किंग जो वर्ड है वो कॉमन नाउन हुआ। इस प्रकार से आपके ये कॉमन नाउन की आज की एक क्लास रही। प्रॉपर नाउन तो पिछले वीडियो में था, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम अगले काइंड्स ऑफ नाउन के साथ। और यदि कुछ आपको ज्ञान मिल रहा है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करने की कृपा भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।